गिरिडीह सरिया प्रखंड किशोरीपल्ली रोड में बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता त्रिभुवन मंडल के नेतृत्व में किया गया। त्रिभुवन मंडल ने कहा कि 12 शिक्षकों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्यवाही कर रही है और साथ में दलित शोषित मजदूर एवं अल्पसंख्यक के लोग भय और आतंक के साथ जीने पर मजबूर किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने अपने ही मूल निवासियों को शिक्षित नौजवानों को नौकरियां न देकर दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। इन्हीं कारणों से पूरे झारखंड में शिक्षित लोग बेरोजगार बैठे हुए। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा साजिश हो तो निश्चित रूप से हम लोग को रोड पर उतरना चाहिए और इसको जवाब देने चाहिए। दूसरी चीज है कि 30 तारीख का जो है जो हम लोग का आगे आंदोलन जो शुरू होगा, पिछड़ों का 27% आरक्षण देना होगा, दलितों का आरक्षण जो सरकार जो है जो दलितों खत्म करने की जो साजिश, तब से झारखंड का मूल निवासी और आदिवासी दलितों पर लगातार हमला हो रही है। इसका एक कड़ी है कि स्थानीय लोग पत्र के जो पारा शिक्षक स्थानीय लोग हैं और स्थापना के दिवस के दिन में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और स्थानीय लोगों को मिटाने के लिए ये तरह तरह का जो रघुबर सरकार जो है सो रघुबर दास की जो सरकार है वो साजिश रच रही है कि स्थानीय लोगों को बाहर करो और बाहरी लोगों को नौकरी दो, ये प्रयास कर रही है। हम लोग पूरे नौजवान अब ये लेके जा रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रखो, बाहरी लोगों को झारखंड से बाहर करें। यही हम लोग जो है आगे संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ेगा अगर इस तरह की सरकार की नीतियां रहेगी तो निश्चित रूप से बाहर लोगों को हम लोग ताकत के बल पर खदेड़ेंगे और कहीं जो है नौकरी या सर्विस नहीं करने देंगे। गिरिडीह से संवाददाता संजीव कुमार, इंडिया न्यूज एक्सप्रेस, झारखंड।